अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन अचारी की रेसिपी। अगर आप रेगुलर मटन करी खाकर बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगी और ये मटन करी का टेस्ट भी बिल्कुल अलग रहेगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले ली है 6 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून मैंने ले लिया है अखा धनिया और 1 टीस्पून ली है सौंफ। तो ये मसाले को हमें पहले भून लेना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि धनिया का कलर डार्क नहीं हो जाता। ये जो मैंने मिर्ची ली है ये मीडियम तीखी लाल मिर्च है, तो अब हम इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। ये देखिए धनिया का कलर जो है वो डार्क हो गया है और खुशबू भी आने लगी है मसाले में से, मतलब ये भून गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे धरधरा इस तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से पीसा है धरधरा। इसमें से हम 1 टेबलस्पून जो है वो अलग निकाल देंगे और बाकी के सारे मसालों में हम मिक्स करेंगे बाकी सभी चीज़ें। तो ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है इसमें कलौंजी, राई का बीज और मेथी का बीज लिया है 1/4 टीस्पून। तो पहले राई का बीज है, फिर मेथी की बीज है, फिर कलौंजी है, तो इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसे रख देंगे साइड में और एक पैन गरम करने रखेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून तेल। इसमें तेल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो आप तेल की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1/2 किलो हमने मटन लिया है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून तेल ऐड किया है। तो ये 500 ग्राम मटन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया है। तो अब हम इसमें तेल में ऐड कर देंगे मटन को और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। हाई फ्लेम पर हमें मटन को भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये मटन को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भूना है हाई फ्लेम पर। हल्का हल्का पानी भी इस मटन का रिलीज़ होगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और पेस्ट को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और मसाले। तो नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हम लेंगे कसूरी मेथी। तो सभी पाउडर मसाले और नमक और कसूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करते हुए तेल छूटने तक हमें भूनना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, या जब तक तेल रिलीज़ नहीं होता तब तक हम हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे। ये देखिए तेल अच्छी तरह से रिलीज़ होने लगा है, मसाले सब अच्छी तरह से भुन गए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो 100 ग्राम के करीब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही को अच्छी तरह से बीट कर ले उसके बाद ही ऐड करें, वरना दही के जो टुकड़े टुकड़े दिखते हैं लम्स वो अच्छे नहीं लगते हैं सालन में। तो हम दही को अच्छे से बीट करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अब दही को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे हाई फ्लेम पर। दही का पूरा पानी हमें ड्राई कर लेना है और तेल रिलीज़ होने तक हम फिर से भूनेंगे। तो ये देखिए तेल रिलीज़ होने लगा है। जितने अच्छे हमारे मसाले भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो तेल रिलीज़ होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे भूनेंगे तेल छूटने तक। हाई फ्लेम पर ही हमें भूनते जाना है ताकि हमारा मटन भी थोड़ा थोड़ा गलता जाए और मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए। तो ये देखिए फिर से हमने इसे भुना है तेल छूटने तक अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मसाला जो हमने 1 टेबलस्पून अलग से निकाल लिया था, धनिया ज़ीरा सौंफ और लाल मिर्च का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को हमने एकदम फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा मैंने दरदरा ही पीसा है मसाले को। तो ये भी हम मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनेंगे हाई फ्लेम पर ही। 1 से 1.5 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ग्लास पानी, ताकि मटन अच्छी तरह से गल भी जाएगा और ग्रेवी भी हमारी हल्की सी रह जाएगी। तो हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो ये हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि मटन हमारा अच्छी तरह से गल जाए।
तब तक हम यहाँ पर मिर्च ले ली है। देखिए मैंने अचार की मिर्च जो है उसे हम काट लेंगे और उसमें मसाला भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वॉश करके इसे पोंछ लिया है और अब हम इसे कट लगा लेंगे इस तरह से। तो जब तक हमारा मटन पकेगा तब तक हम ये प्रोसेस कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने कट लगा लिया है हरी मिर्च को, इसमें से जो बीज है वो हम निकाल लेंगे। तो सभी मिर्चों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे और उसके अंदर की जो बीजे हैं उसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी हरी मिर्चों की मैंने बीजे निकाल ली है और इस तरह से कट लगा लिए हैं। तो अब हमें इसमें मसाला भरना है। तो ये मसाला जो हमने मिक्स किया था उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून तेल, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मिर्चों में भरने में आसानी हो। तो ये अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है नमक और तेल को। तो ये हमने अच्छी तरह से कर लिया है इसे मिक्स। अब हमें मसाले को मिर्चों में भर लेंगे। तो अच्छी तरह से हमें मिर्चों में मसाले को पूरा भर लेना है। देखिए मसाले को हमने सभी मिर्चों में इसी तरह से भर लेंगे। और ये सभी मिर्चें मैंने इसी तरह से भर ली है। तो अब हम देखते हैं सालन हमारा कितना पका है। तो ये देखिए 25 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। मटन हमारा अच्छी तरह से यहाँ पर गल गया है, हल्का सा इसमें पानी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने भर ली थी वो। तो एक बार हमने इसे मिक्स कर लिया, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने हरी मिर्चों में मसाला भर लिया था वो हरी मिर्च। ये हरी मिर्च गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो इसी पानी में जो बचा हुआ है इसमें ये हरी मिर्च अच्छी तरह से गल जाएगी। और एकदम ज़्यादा भी हमें हरी मिर्चों को गलाना नहीं है। तो हल्का सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया हल्का सा और अब हम इसे ढककर पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि मिर्च भी अच्छी तरह से गल जाए और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। तो ये देखिए मिर्च हमारी अच्छी तरह से गल गई है। तो अब हम इसे एक बार मिक्स दे देंगे और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और कर लेंगे मिक्स। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची को बस आपने इतना ही गलाना है, तभी उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। एकदम इसको ज़्यादा गला लेना नहीं है। तो ये हमने मिक्स कर लिया, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म ये मटन करी सर्व करेंगे। ये मटन अचारी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और जिस तरह से आप हमेशा मटन करी बनाते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंस है। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।